पर अजे तक तो यही एहसास नहीं भी असी गुलाम हैं। जिहड़े लोग गुलामी विच रह के आजादी की गल करते ने, अपने आप नूं आजाद पेश करना चाहते ने, सच एवे उन्ना चिर तक गुलामी दियां जंजीरां नहीं तोड़ियां जांदियां जिन्ना चिर तक आजादी का एहसास ना होवे। हुणे पहली अरदास होई, मैं कड़ा प्रसाद वरता रहा सी, जिन्हें भी इस लाइन च नौजवान बैठे सन, एक हथ खड़ा दूसरे हथ विच लाल तक। हुण बैठे गुरद्वारा साहिब आ, गुलाम किसे विपर दे आ, गुलाम किसे ज्योतिषी दे आ, गुलाम किसे पांधे दे आ। हाँ, गुरद्वारा साहिब बैठे, पर गुलामी किसे होर दी एक्सैप्ट करके अपनी जीवन विच धारण कीती होई है। आजादी उन्ना चिर तक मनुखी जीवन का अधिकार खेतर नहीं बन जाती जिन्ना चिर तक मनुख अपनी जिंदगी अंदर अपने मन दियां विचारां करके खुद मुख्तियार ना होवे। आरिया समाज जी नूं किसे ने सवाल किया, तवारीख दे पन्नियां विच ज्ञानी देत सिंह ने जिन्हां नूं तीन वार बहस विच हराया, दयानंद सरस्वती, वह अमेरिका की धरती ते गया ते उत्थे एक पत्रकार ने सवाल किया, कहन लगे तुसी तां बाहरों आए हुए लोग हो, आर्यन लोग हो, तुसी भारत के 85-86% लोगों से राज करी जाते हो, लोग बगावत नहीं करते भी उन्हां दा हक है, तुसी उन्हां नूं शेड्यूल कास्ट विच रखिया, उन्हां नूं दलित समाज बना दिता, उन्हां कोलों मरे पशु चुकवाउंदे हो, उन्हां कोलों घर दा गोहा कूड़ा करवाउंदे हो, उन्हां नूं नीवें बनाता, आप राजे बन गए, उन्हां नूं अपने पैरां ते रखदे हो, आप तख्तां ते बैठे हो, की वह 85-86% लोग अपनी जिंदगी दे अंदर बगावत नहीं करते, की वह अपने हक की मंग नहीं करते? जवाब बड़ा कमाल का दिंदा है। वो कहिंदे पत्रकार तेनू की पता, जिन्हां लोकां दे घर विच अपने पुत दा विआह होवे ते तरीक साडे कोलों आ के पुछण, वह किहड़ी आजादी की गल करनगे? जिन्हां दे घर विच अपनी दुकान का मुहूर्त होवे ते तरीक किसी विपर कोलों पुछण, वह किहड़ी आजादी की गल करनगे? जिन्हां दे घर विच मौत भी हो जाए, उन्हां दा कोई प्राणी अकाल चलाना भी कर जाए, उन्ना चिर तक वह घर के दरवाजे तो बाहर नहीं जा सकता जिन्ना चिर तक असी जाके इजाजत ना दईए, वह कि आजादी की गल करे? बगावत कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि असी उन्होंने इस कदर उस दायरे में लिया के खड़ा कर दिता है जिथे असी कभी भी अपने आप उन्हां दी आवाज, उन्हां दी बोली लख वार होएगी भी फिर भी दबी जाएगी, क्योंकि वह साडे गलबे विच इस कदर फसे हुए ने भी कभी अपनी जिंदगी विच निकल ही नहीं सकते। ते जेड़े इस कदर गुलाम हो जान, घर विच पुत दा विआह, पत्री कोई विपर वाचे, घर दे विच मुहूर्त, अपने घर दे विच खुशी दा समां, पत्री कोई विपर वाचे, कोई पंडित कोई ब्राह्मण वाचे, जेड़े इस कदर गुलाम हो जान, वह कभी अपनी जिंदगी विच आजादी की गल कर ही नहीं सकते। उन्हां दे अंदर संघर्ष ही नहीं है, वह ना कौम की सिरजना की गल करनगे। हुण असी सिख हाँ, सिखी नाल साडा संबंध है, गुरु नानक पातशाह की विचारधारा अगे असी मत्था टेकते हाँ, 35 महापुरखों की बाणी नूं असी सीस नवाउने हाँ, इस करके कि गुरु साहब तुसी जिहड़ी आवाज़ बोली वह साडे जीवन विच आवे, असी तुहाडे अगे अपना आप सरेंडर करदे हां। सोच के वेखना, हत्थां विच मौलियां ने, हत्थां विच धागे ने, हत्थां विच होर पखंड है, घर दे अंदर अखंड पाठ साहब रखना होवे ते ब्राह्मण वाले नारियल तो बिना गल नहीं बनती, जोत तो बिना गल नहीं बनती, बाणी नूं अपने जीवन दे विच आधार बाउण दी थां मूर्तियां दी पूजा अपने घर विच करदे हां। हुण इहो जिहा मत्था टेकना फिर किस अर्थ है, क्योंकि गल तां एक भी नहीं सुनी जा रही, विचार तां एक भी नहीं जीवन दे विच। इनू समाजिक तल से असी कट्टड़ वार्ता का नाम दें, पर तुसी आप गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ के वेखो, पता लग जाएगा बाबे ने कड़ी कट्टड़ वार्ता की गल की है। सच बोलना कोई कट्टड़ वार्ता नहीं, जरूरी है इन्हों विषयों असी दूसर की गल करते हैं, आप भी गुलाम हाँ। 90% साढ़े सिखा के घर के अंदर
आनंद कारज होंदे ते ब्राह्मण पहला बैठा होंदे। हौली हौली रूप तब्दील हो गया। हुण कई बार गुरद्वारा साहिब जंतरी पुछण आ जांदे ने, बाबा जी कंजगां तां नहीं जां होर कोई तां नहीं, श्राद्धां दे दिन तां नहीं असीं पुत दा विआह रखणे। पढ़न नूं हर संग्रांद ते शब्द सुनिया जांदे, महादिवस मूर्त भले जिस को नज़र करे, नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। ये भी उही गुलामी है जिहड़ी स्वामी दयानंद सरस्वती अमेरिकन पत्रकार दे सामने रखदे, भी वह लोग कभी आजाद हो ही नहीं सकते जिन्हां दे जीवन दे छोटे मोटे काम ही किसी दूसरे ते डिपेंड होण। सतगुरु दे घर ने बड़ी खुल के आजादी दिती है। बाबा कबीर साहिब वर्गे योधे कहिंदे सन, जे तू अपने जीवन दे अंदर सच दा पांधी बनना चाहुंदे ते आ जिहड़े संगल तेरे आले दुआले वड़े ने नन तोड़ दे। वेद की पुत्री सिमरत भाई, सांकल जेवरी लै है आई, आपन नगर आप ते बांधिया, मुँह कै काल सकत सर सांधिया, कटी ने कटे। कहन लगे इन्ने संगल पए ने, कटदे नहीं कटदे जाते, टूट नहीं जाई, टुटद ही कोई नहीं। सा स्थापन हुए जग को खाई, हम देखत इस विचार ने जिहड़ी संगल रूप विच है सानू जकड़ के बैठी है। सब जग लुटिया, सब संसार नू लुटिया है, अखां दे सामने देखदे आ। जिन्हां दे अपने हक सन उन्हां नू हक नहीं दिते, उन्हां नू तबाह कीता। जिन्हां दा अपना घर सी, यही विचारधारा जदों 1947 की लकीर खिंची गई तो साडे आगू इसे विचारधारा विच आके फस गए। उही संगलां वाली बोली ती, वेद की पुत्री सिमरत भाई, सांकल जेवरी लै है आई।